आदाब नाजरीन, डीडी उर्दू के ख़ास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में मैं आदित्य कुमार और मैं रतिका मेहरा आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। हेलो डॉक्टर में हम आपको बताते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सकें अपने जीने का अंदाज़। और मौसम के साथ साथ हमको भी अपने मिजाज बदलने होंगे, ज़िंदगी आबाद रहे तो जीने के अंदाज़ बदलने होंगे। अक्सर बदलते मौसम के साथ साथ ना अपनी सेहत का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके नुकसान जो होते हैं वो कहीं ना कहीं ख़तरनाक भी हो सकते हैं। अचानक से बारिश का हो जाना, तेज़ धूप का हो जाना, तेज़ गर्मी का हो जाना, और गर्मी के बढ़ते ही मच्छरों का जो डर है ना वो बढ़ने लगता है। और ऐसे में दिन हो या रात हो, मच्छरों से अपने आप को बचाना बेहद ज़रूरी है। और मच्छर सिर्फ अपने साथ एक डर नहीं लाते, बल्कि अपने साथ वो कई सारी बीमारियाँ भी लेकर आते हैं, जैसे कि डेंगू, मलेरिया। और जो ये डेंगू और मलेरिया के मच्छर होते हैं, ये अक्सर पानी में पनपते हैं। तो ये बेहद ज़रूरी है नाजरीन कि आप अपने घर में और घरों के बाहर पानी इकट्ठा ना होने दें, अपने खाने की चीज़ों को ढक कर रखें, और अगर आपके बच्चे हैं तो अपने बच्चों को घर से बाहर भेजते समय पूरी आस्तीन का इस्तेमाल करें। और भी ऐसे कई सारे बचाव हैं जिसे करके हम इस डेंगू और मलेरिया से पार पा सकते हैं। तो नाजरीन, अगर आज आप डेंगू या मलेरिया पर कोई और जानकारी चाहते हैं या फिर अपने कोई सवालात हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमारे माहिरीन से आज लाइव पूछ सकते हैं, क्योंकि आज की पेशकश आपके लिए बेहद ख़ास है। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना फ़ोन उठाना है और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना है। लेकिन उससे पहले आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। नाज़रीन, हम सब अपनी सेहत और तंदुरुस्ती का खूब ख्याल रखते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव के लिए भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी किसी इन्फेक्शन की वजह से और कभी किसी और वजह से हम बीमारी की जद में आ जाते हैं। डेंगू या डेंगू बुखार एक ऐसी ही बीमारी है जिसकी गिरफ्त में हम ना चाहते हुए भी आ जाते हैं। डेंगू बुखार भूरे रंग के मादा एडीज मच्छर के काटने से होता है। ये मच्छर ज्यादातर साफ खड़े पानी में पैदा होता है। डेंगू वायरस के शिकार अफराद में हल्की से बहुत शदीद अलामात जाहिर होती हैं। डेंगू का बुखार फ्लू जैसी अलामात का सबब बनता है, जो अक्सर मरीज को 2 से 7 दिन तक मुतासिर करता है। मरीज को बुखार मच्छर के काटने के 4 से 10 दिन के दरमियान होता है। इसकी अलामात में तेज बुखार, सर में शदीद दर्द, आँखों के पीछे दर्द, पट्ठों, हड्डियों या जोड़ों का दर्द, जिल्द पर खारिश, मतली और कह हैं। अगर इन्फेक्शन के 3 से 7 दिनों के दौरान डेंगू की कोई शदीद अलामात जाहिर हों, तो अस्पताल में दाखिल होना जरूरी हो सकता है। शदीद अलामात में पेट में सख्त दर्द, सांस के मसाइल, मुसलसल उल्टी आना, मसूड़ों या नाक से खून बहना और बेचैनी और थकावट शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक डेंगू बुखार बज़ाहिर तो एक मामूली सा मगर संगीन बुखार होता है, जो चंद ही रोज में खतरनाक सूरतेहाल अख्तियार कर लेता है और मौत का सबब भी बन सकता है। डेंगू का निशाना आम तौर पर ऐसे अफराद ज्यादा बनते हैं जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। इसमें प्लेटलेट्स भी तेजी से कम हो सकती हैं। WHO के मुताबिक डेंगू से होने वाली अमवात दुनिया भर में होने वाली अमवात का 4% है, और एहतियात के जरिए ही इस मर्ज से बचना मुमकिन बनाया जा सकता है। नाजरीन, इसी तरह मच्छर के काटने से फैलने वाली एक और बीमारी है मलेरिया। मलेरिया के जरासीम एक खास किस्म की मादा मच्छर के काटने से खून में दाखिल होते हैं। ये जरासीम खून के जरिए जिगर के सेल्स में दाखिल हो जाते हैं, जहां इनकी तादाद बढ़ती है। खून के जरिए जरासीम के फैलने का सिलसिला जारी रहता है। मलेरिया एक मुतादी मर्ज है, यानी एक से दूसरे को फैलता है, लेकिन फैलता ये मच्छर के काटने से ही है। मलेरिया से मुतासिर किसी शख्स को मच्छर काटे और फिर वो किसी और को काटेगा, तो उसके खून में भी मलेरिया के जरासीम दाखिल हो जाते हैं। हर साल पूरी दुनिया में 350 से 500 मिलियन अफराद मलेरिया का शिकार होते हैं। WHO के मुताबिक 2013 में 19 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को मलेरिया हुआ, और इनमें से तकरीबन 5,84,000 अफराद हलाक हुए। हलाक होने वालों में से 80% 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे। मलेरिया की अलामात में बुखार, कपकपी, बार बार पसीना आना, सरदर्द, जिस्म में दर्द,
मतली और उल्टियां शामिल हैं। कभी कभार ये अलामतें 48 से 72 घंटे के बाद दोबारा जाहिर होती हैं और ऐसा बार बार होता है। काबिल गौर है कि डेंगू और मलेरिया की हल्की अलामत जाहिर होते ही फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, वरना मर्ज के शिद्दत अख्तियार करने का खतरा बढ़ जाता है। अपने आसपास और घर में कहीं भी पानी न जमा होने दें। मच्छरों को रोकने के लिए जाली वाले दरवाजों का इस्तेमाल करें। मच्छरों को मारने वाले स्प्रे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सेहतमंद और गजाइत से भरपूर खाना खाएं। पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहने। इन सभी एहतियाती तदाबीर की पाबंदी करें और महफूज रहें। अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी गर्मी या बारिश का मौसम आता है और किसी को भी घर परिवार में अगर बुखार हो जाता है तो सबको एक ही डर लगता है कि कहीं ये मलेरिया तो नहीं, कहीं ये डेंगू तो नहीं। तो नाज़रीन, आज एलो डॉक्टर की हमारा ये जो पेशकश है उसमें हमारा खास मौजू यही है कि कैसे डेंगू और मलेरिया के क्या क्या अलामात होते हैं और कैसे इससे बचाव किया जाए, क्योंकि इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और हमारे माहिरीन आपको बताएंगे कि अगर वो क्या क्या अलामात हैं जिससे ये पहचाना जाए कि क्या ये डेंगू है या फिर मलेरिया है, और ऐसे वक्त में क्या करें क्या ना करें, किस तरह से घर में रह कर ही अपना इलाज करें, खाने में क्या क्या चीज़ों को खाएं, क्या क्या चीज़ों को परहेज़ करें अगर करना चाहिए, या फिर साथ ही आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं, और इन्हीं सभी मौजूदात पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ हैं एक्सपर्ट का एक खास पैनल। तो आइए आपका उनसे तारुफ कराते हैं। बिल्कुल, आइए अपने माहरीन से आपका हम तारुफ करवाते हैं कि मलेरिया क्या है, डेंगू क्या है, उसको समझेंगे हम अपने एक्सपर्ट से। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं डॉक्टर आरती मारिया। आप डॉक्टर आरएमएल हॉस्पिटल में न्यूनेटोलॉजी डिपार्टमेंट की एचओडी हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। हमारे दूसरे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर वाईसी पोरवाल। आप कंसल्टेंट एंड प्रोफेसर हैं सफदरजंग हॉस्पिटल में। आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है डॉक्टर पोरवाल। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं प्रोफेसर हकीम शकीर जमील। आप मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अधीन सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन यूनानी में डायरेक्टर जनरल के पद पर रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। पहले हम कार्यक्रम की शुरुआत करें तो डॉक्टर मारिया, आपका रुख करना चाहेंगे, डेंगू और मलेरिया है क्या, पहले तो हम ये समझना चाहेंगे एक आम जो हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये किस तरीके से फैलता है, इन दो पहलुओं पे आप थोड़ा सा हमें बताएं। जी हाँ, डेंगू फीवर जो है ये फैलता है तो ये वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन ये फैलती एक मॉस्कीटो, एक मच्छर के द्वारा, उसका नाम है एडीज एजिप्टाई, और ये मादा मच्छर ही होती है जो वायरस को एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान में ले जाती है और दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करती है। और ये मच्छर जो है, हम वायरल के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हम ये कर सकते हैं कि मच्छर को ही पनपने ना दिया जाए। तो मच्छर जो है ये पनपते हैं ताज़ा स्टैंडिंग वाटर में, जो पानी खड़ा रहता है कहीं पे साफ़ सुथरा पानी, नहीं तो लोगों को आमतौर पर लगता है कि गंदा पानी में ही ये पनपता है। नहीं, ये साफ़ पानी में पनपता है। स्पेशली दिन के टाइम ये मच्छर ज़्यादा काटते हैं, और बच्चों को या फिर जो एल्डरली होते हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एज पे जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। माफ़ कीजिएगा मैडम, इसी में आपने एडीज़ की बात की, तो एडीज़ एजिप्टी जो मॉस्किटो है या मच्छर है, वो मलेरिया भी करता है और डेंगू भी करता है, या दोनों में कुछ अंतर है? नहीं, मैं अभी उस पर आ रही थी। मलेरिया जो है ये एनोफिलीज मॉस्किटो या मच्छर से होता है, वो भी मादा मच्छर ही होता है, वो वायरल नहीं है, क्योंकि इसलिए वायरल नहीं है इसलिए उसका इलाज है। वेयरस वायरल वाला जो डेंगू फीवर है, इसमें कोई एंटीबायोटिक या कोई एंटी मलेरियल जैसे कोई दवाई काम नहीं करती, वो वायरल है, अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ही समय के साथ 3-4 दिन में 7 दिन तक ख़त्म हो जाता है। और जो मलेरिया है वो है एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है, जो अगेन एक एनोफिलीज मॉस्किटो के थ्रू ही एक इन्फेक्टेड इंसान से दूसरे इंसान को इन्फेक्ट करता है, थ्रू द बाइट ऑफ द एनोफिलीज। एनोफिलीज की काटने से दूसरे इंसान को वो इन्फेक्टेड जो पैरासाइट होता है इंसान के अंदर, वो कैरी करता है और दूसरे को काट लेता है, दूसरे को काट कर उसको इन्फेक्ट करता है, और उसमें सिम्टम आने लगते हैं। और सिम्टम के हिसाब से जो डेंगू है, इसमें मोस्टली फीवर, हाई ग्रेड, मॉडरेट टू हाई ग्रेड फीवर,
आँखों के पीछे बहुत दर्द होना, सिर में बहुत दर्द होना, बॉडी एक सिवियर, यहाँ तक कि बोन ब्रेकिंग फीवर इसे कहते हैं, हड्डी तोड़ बुखार, और बहुत ज़्यादा सिवियर मसल पेन्स, बॉडी एक्स, बैक एक, और उसके बाद बहुत कमज़ोरी और थकान महसूस करना। और जहाँ तक कि मलेरिया का सवाल है, हम लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि उसमें जाड़े के साथ बुखार आना और उसके बाद बुखार उतरते साथ बहुत सारा पसीना आना, अचानक इतनी ठंड लगती है इंसान ऐसे ऐसे करके कांपता है, और उसके बाद बुखार उतरने पर अचानक गर्मी लगती है, ये साइकिल्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं। इसके अलावा नौजिया, वॉमिटिंग, और कॉम्प्लिकेट हो जाए मलेरिया तो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस और दिमाग पे भी चढ़ सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर आरती, आपने बहुत अच्छे से हमारे व्यूवर्स को समझाया कि क्या है एग्जैक्टली डेंगू क्या है, मलेरिया क्या है, और इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो डॉक्टर पौरवाल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज की अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो किस तरह की सिचुएशन है अभी डेंगू और मलेरिया को लेकर, किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, या आगे आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन रह सकती है? अभी हमारे पास डेंगू के केसेस आने शुरू हुए हैं, अभी लास्ट 2 to 3 weeks वी आर गेटिंग पेशेंट्स ऑफ डेंगू, एंड मलेरिया के भी बहुत ज़्यादा केसेस नहीं आ रहे हैं अभी, लेकिन इस बार दिल्ली में इतनी बारिश अभी हुई नहीं, बट बारिश अभी शुरू हो रही है, तो हो सकता आने वाले टाइम में केसेस बढ़ेंगे, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है। तो किस अभी अलार्मिंग फीचर नहीं है, अभी कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल वी हैव टू बी कॉशियस। तो क्या क्या मतलब आप कहते हैं कि क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए? ये जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये वेक्टर इसका जो है मॉस्क्यूटो है, मच्छर है, तो अपने आसपास के एरिया में आप हमेशा ध्यान रखें कि कोई पानी इस तरह का जमा ना हो, पानी जैसे कोकोनट शेल ना पड़ा उसमें पानी जम जाता है, छोटे मोटे बर्तन होते हैं उसमें पानी जमा रहता है, क्योंकि ये ज़्यादातर जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि साफ पानी में होते हैं, तो वो जहाँ पर भी पानी जमा रहेगा वो 4-5 दिन बाद वहाँ पे मॉस्क्यूटो जो है वो लार्वा से मॉस्क्यूटो हो जाएंगे, तो वो मॉस्क्यूटो का जो है प्रजनन जो है वो बंद करना बहुत जरूरी है। उनका जो रूट कॉज है वही रूट कॉज है मॉस्क्यूटो। अगर आप मॉस्क्यूटो का प्रोडक्शन बंद करें तो ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जो है इसका बंद हो जाएगा। बिल्कुल हकीम साहब, आपका रुख करना चाहेंगे, आप एक जाने माने यूनानी एक्सपर्ट हैं। हकीम साहब, यूनानी पद्धति जो सिस्टम है, क्या उनका नज़रिया है इस इन जो वेक्टर बॉर्न डिजीज़ को लेके? देखिए, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जहाँ तक ताल्लुक है, हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि हमारी अप्रोच जो है वो हॉलिस्टिक होती है, जनरलाइज्ड होती है, स्पेसिफिक नहीं होती। जी, हम इस पर बिलीव करते हैं और प्रैक्टिकली इसको अप्लाई करते हैं कि कोशिश ये की जाए कि तकद्दुम बिल हिफ्ज मा तकद्दुम किया जाए, यानी कोशिश हो कोई बीमारी ना हो, वो उसकी सूरत तभी है मुमकिन है जब उसके जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो, जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत अच्छी हो, यानी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो, और उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाए। ये तो उस सूरत में है जबकि अभी बीमारी हुई नहीं, अब बीमारी हो गई, उस सूरत में अप्रोच हमारी ये होगी कि उस वक्त भी हम बॉडी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की कोशिश करेंगे, कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाएंगे, और जिसम के लिए आम तौर पे जो सेहत की तदाबीर है उनको इख्तियार करेंगे, उसके साथ साथ कुछ अदविया का भी इस्तेमाल करेंगे। जहाँ तक मलेरिया और डेंगू का ताल्लुक है, इसके लिए आम तदाबीर यानी होने के बाद आराम किया जाए, अच्छी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ, और वो ग़िज़ाएँ इस्तेमाल की जाएँ और वो दवाएँ इस्तेमाल की जाएँ जनरली जो जिस्म की कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाती हैं। उससे दो फायदे होंगे, इन्फेक्शन के बॉडी से इरेडिकेट करने में हेल्प मिलेगी एक, दूसरी ये कि जो बीमारी के बाद की का ज़ौफ़ है, कमज़ोरी है, उस वो कम होगी। इसमें प्रैक्टिकली हमने ये देखा है कि हमारी बहुत सारी अदवियाँ अगर इस्तेमाल की जाएँ तो मरीज़ को बाद की कमज़ोरी और बाद की जो उसकी पेचीदगियाँ हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, वजह फरमाया बहुत कम होती है। बिल्कुल हम आपसे और घरेलू चीज़ों के लेकर हम आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं इम्यूनिटी को बढ़ाने में। डॉक्टर आरती, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब आपने सिम्टम्स तो बहुत अच्छे से हमें बताया कि जब डेंगू है तो क्या सिम्टम्स हैं, जब मलेरिया है तो क्या सिम्टम्स हैं, जब सिम्टम्स ये हमें हो रहे हैं तो ऐसे कौन कौन से टेस्ट हैं जो हमें करवाने चाहिए और कब करवाने चाहिए, और कितना वक्त लेता है डेंगू और मलेरिया आपके जो आपके जिस्म में फैलने में, मतलब जब एग्जैक्ट पता लगता है कि अब आपको डेंगू या मलेरिया हो गया है? डेंगू जो मच्छर जब काटता है उसके बाद लगभग 3 से 4 दिन, 6 दिन तक
हमारे को उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और बुखार आने के बाद पहली बात है, हम हर पहले दिन वाले बुखार को तो नहीं समझते कि डेंगू है, लेकिन हाँ, क्योंकि अगर हमारे एनवायरनमेंट में हमें सुनने सुनाने में आता है कि हाँ, न्यूज़पेपर के ज़रिए से कि डेंगू फैल रहा है, उसके केसेस आ रहे हैं, तो एक हाई इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, एक पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है संभवतः कि ये शायद डेंगू ना हो। और इंसान, क्योंकि आजकल हम लोग डरते हैं कि डेंगू ना हो, इसलिए टेस्ट कराने के लोग जल्दी तत्पर रहते हैं। तो ऐसे में हम लोग सेकेंड टू फिफ्थ डे के बीच में एक NS1 एंटीजन करके एक टेस्ट होता है, जो रिपोर्ट भी आपको जल्दी मिल जाती है, 6 घंटे तक मिल जाती है, वो टेस्ट कंफर्म कर लेता है कि ये डेंगू है। और 6 दिन के बाद या 5-6 दिन के बाद आपको एंटीबॉडी टेस्ट जो होता है, सीरोलॉजी टेस्ट, वो आपको हेल्प कर सकते हैं डायग्नोसिस में। मैम, ये इस लोकल लेवल के लैब, अगर हम डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये डेंगू की बीमारी एक महदूद नहीं है, एक एरिया तक पूरे देश में पाई जाती है, तो कि लोकल जो सिटीज़ हैं वहाँ भी क्या ये रहते हैं, इस तरह के टेस्ट मौजूद हैं? रहते हैं, मगर जैसे आपने कहा, ऑब्वियसली ये जो छोटी पेरिफरी और कम्युनिटी में सब जगह अवेलेबल नहीं हो सकते, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये समझना कि ये वायरल इन्फेक्शन है, सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप से ख़त्म हो जाएगी समय के साथ, और अगर कॉम्प्लिकेटेड ना हो तो एक वायरल फीवर समझ के इसका, क्योंकि इलाज भी कोई खास नहीं है, स्पेसिफिक नहीं है, बुखार की दवाई लेनी है, सपोर्टिव मैनेजमेंट करनी है, और एक डेंजर साइंस के लिए हमें वॉच आउट करना है, हमें देखना है कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कोई रैश तो नहीं आ रहा, कोई ज़्यादा वॉमिटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं या डायरिया तो नहीं ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि इस स्थिति में और पेट दर्द हो रहा है बहुत सिवियर, तो अगर ऐसे कोई लक्षण आते हैं तो तुरंत वैसे भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। मैम, एक सवाल और उठता है, क्योंकि आप न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं, बच्चों की जानकार हैं, माहिरीन हैं, तो मैम जो बच्चे हैं किस कदर इससे मुतासर होते हैं? बच्चों में भी लक्षण तो वही रहते हैं, ये बात अलग है कि वो हेडेक और आँखों के पीछे का दर्द न बता पाएँ, लेकिन हाँ, बुखार एक एसेंशियल सिम्टम है, तेज़ बुखार आना, छोटे छोटे बिंदी जैसे लाल रंग के रैश आना, जिनको अगर आप दबाएं तो वो ब्लांच नहीं होते, उसमें सफ़ेदी नहीं आती, वो लाल के लाल ही रहते हैं, तो ये जाहिर करते हैं कि प्लेटलेट की कमी हो रही है, और ऐसे में या बच्चे को वॉमिटिंग, ज़बरदस्त वॉमिटिंग आ रही है, तेज़ बुखार जो कम नहीं हो रहा है, तो बच्चे को ज़रूर अस्पताल ले आ जाए। और ये भी ज़रूरी है कि बच्चे का ब्लड प्रेशर और उसके वाइटल्स मॉनिटर करे जाएं। वार्निंग साइंस आपने बताई दी। वार्निंग बिल्कुल signs. जैसे इम्यूनिटी, आपने प्लेटलेट्स की अभी बात की, तो डॉक्टर परवाल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि प्लेटलेट्स का कितना बड़ा रोल होता है, अगर हम बात करें डेंगू की, तो क्या एक लिमिट होनी चाहिए कि इसके ऊपर प्लेटलेट्स है तो नॉर्मल है, या इससे नीचे हैं तो अब हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत है? देखिए, प्लेटलेट के बारे में बहुत भ्रांतियाँ हैं, इसमें ऐसा है कि जनरल पब्लिक को बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि प्लेटलेट कम हो रहा है। देखिए, इसमें नेचुरल वे में जो प्लेटलेट कम होता है, वो फिर जैसे ही बुखार उतरता है तो प्लेटलेट रिकवर करना शुरू हो जाता है, इसलिए यूजुअली जो रिकमेंडेशन ये है कि 10,000 से नीचे अगर प्लेटलेट है तब हम ट्रांसफ्यूजन करें, या फिर अगर अगर मरीज को ब्लीडिंग शुरू हो, कहीं से भी अगर उसको ब्लीडिंग हो, या तो यूरिन से हो, या फिर खांसी से हो, या फिर उसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्टूल में ब्लड आ रहा है, तब हम प्लेटलेट देते हैं। इसमें केवल प्लेटलेट की कमी से ही जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, प्लेटलेट का फंक्शन भी इसमें डिरेंज होता है। केवल नंबर ऑफ प्लेटलेट की वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट प्लेटलेट का फंक्शन भी डिरेंज होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और जब तक पेशेंट जो है, यूजुअली हम लोग प्लेटलेट काउंट रोज ही करते हैं, और जब 25,000 से नीचे आता है तो वी बिकम वेरी कॉशियस कि कहीं से पेशेंट को, और फिर उसमें 6 आवरली या 8 आवरली प्लेटलेट काउंट करते हैं। इन केस अगर प्लेटलेट काउंट 10,000 से नीचे होता है तब हम उसमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करते हैं। मेरी को एंकर ने आपसे प्लेटलेट पे पूछा, यही सवाल जब सब दिमाग में आम दर्शक के, आम व्यूअर के आता है कि प्लेटलेट की जो बात है, प्लेटलेट्स का जो काउंट है, क्या कभी ऐसा भी होता है कि वो प्लेटलेट्स कभी अगर किसी के कम हो गए हैं और बढ़े ना, ऐसे भी केसेस सामने आते हैं? नहीं, देखिए, ये नेचुरल रिकवरी है। ये प्लेटलेट का जो काउंट कम हो रहा है, वो प्लेटलेट का एक तरफ से तो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और दूसरे तरफ से प्लेटलेट की जो है फॉर्मेशन भी कम हो जाती है बोन मैरो से, तो एक इम्यून डिस्ट्रक्शन होता है प्लेटलेट का, स्प्लेनिक डिस्ट्रक्शन, और एक बोन मैरो से जो है प्लेटलेट की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, तो उस वजह से प्लेटलेट का काउंट कम होता है। लेकिन ये एक नेचुरल रिकवरी का प्रोसेस है, जिसमें
फीवर जब 3 से 5 दिन बाद जब सेटल होने लगता है तो प्लेटलेट नेचुरली वे में रिकवर करना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं होता है कि पेशेंट रिकवर कर गया और प्लेटलेट परमानेंटली सप्रेस रहे। तो जैसे कि आपने बताया कि ये लोगों की मिथ है कि अगर प्लेटलेट्स कम हुए तो इमीडिएटली रश करो हॉस्पिटल की तरफ या कुछ, ऐसा नहीं है। वन हैज टू बी ऑब्जर्वेंट, केवल प्लेटलेट की कमी से आपको इतने घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत ऐड करना चाह रही मैम। या मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी दर्शकों की एक ध्यान लाना चाहूँगी कि जैसे सर ने कहा डेंगू फीवर में हम लोग सोचते हैं कि बुखार ठीक हो गया तो सब ठीक है, ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा सावधान रहना है, जब बुखार उतरने लगता है, उतर जाता है, उसके जो अगले का एक हफ्ता है वो खास करके कॉम्प्लिकेशंस का एक टाइम होता है। और उसमें अगर वॉमिटिंग ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, जो मैंने आपको जो डेंजर साइंस बताए थे, या ब्लीडिंग भी हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा मायोकार्डाइटिस भी हो सकता है, शॉक में भी जा सकता है पेशेंट, सीवियर डायरिया हो सकता है, तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस अगर हों, इसलिए आराम करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे हमारे कोलीग साहब बताएंगे तो उसमें शायद इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी कुछ प्रिकॉशंस। बुखार उतरे तो बुखार उतरने के बाद भी आपको एहतियात बरतने की बेहद जरूरी है। डिक्टम है कि व्हेन द फीवर सेटल्स कॉम्प्लिकेशंस अराइज, दैट इज द डिक्टम, बट इट इज नॉट इन ऑल पेशेंट्स, बट इन सम पेशेंट्स डेफिनेटली जब फीवर सेटल होता है तो वन हैज टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बिल्कुल। तो जहाँ अब जो डॉक्टर आरती ने बात की इम्यूनिटी की, तो अभी हम बात कर रहे थे इम्यूनिटी के से रिलेटेड, तो हकीम साहब आपसे जानना चाहेंगे कि एक तो इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जाए, और ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जब भी किसी को डेंगू है या मलेरिया हो रहा है तो लोगों का कहना होता है कि बकरी का दूध पियो या गिलोय का रस लो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो ये कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं, इसे कितना, इसके इस्तेमाल से कितना फ़ायदा होता है एक इंसान को? देखिए ये यकीनन बहुत ज़्यादा मौसर है। ओके। और ये मौसर ग़िज़ा में भी है और दवा में भी है। बहुत सारी चीज़ें हम ग़िज़ा के तौर पे लेते हैं बतौर डाइट के, और ये लेना चाहिए। ओके। एक मशहूर इस सिलसिले में शेर है कि जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से वहाँ तक चाहिए बचना दवा से। लेकिन जो दूसरा मिसरा है वो डेंगू के लिए नहीं है, यहाँ तो दवा भी लेनी पड़ेगी जी। तो लेकिन आमतौर से ये जरूर है कि जहाँ तक काम चलता हो ग़िज़ा से वहाँ तक चाहिए बचना दवा से, आम हालात के अतबार से बिल्कुल सही है। तो आपने बकरी के दूध की बात कही, बकरी का दूध जो है वो इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत मुफीद है। और आपको आपकी बात में वो जोड़ते हुए, हमारे पुराने ज़माने में जो ट्यूबरक्लोसिस का ट्रीटमेंट होता था उसमें ट्यूबरक्लोसिस से मुतालिक बहुत सारी दवाएं थी बकरी के दूध में बनाई जाती थी। अच्छा। इसी के साथ साथ हमारे यूनानी लिटरेचर के अंदर आपको अजीब सा लगेगा कि घोड़े का यानी घोड़ी का दूध जो है वो बाद में फिर स्टडीज ऐसी आ गई हैं कि वो बहुत बड़ा इम्यूनिटी बूस्टर है। ओके। और बहुत सारे बाज़ ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ घोड़ी का दूध मखसूस बीमारियों में भी और बग़ैर बीमारियों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके साथ साथ आप इसी तरह से बहुत सारी ग़िज़ाएँ हैं उसमें कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो प्लांट्स बेस्ड हैं यानी सब्ज़ी वेजिटेबल डाइट्स हैं, कुछ नॉन वेजिटेबल डाइट्स हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फिर कुछ घरेलू चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि मवीज़ ये मुनक्का है। हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अभी आपसे घरेलू की बात करेंगे, उनका सवाल ले लेते हैं, उसके बाद हम आपका रुख करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल हमारे प्रोग्राम में, अपना नाम बताइए। मेरा नाम शबाब परवेज है और मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, आप अपना सवाल पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है, हमारे माहरीन आपके सवाल सुन रहे हैं जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, मैं आपका प्रोग्राम अक्सर देखता रहता हूँ और बहुत सी मालूमात मुझे हासिल होती है इस प्रोग्राम। शुक्रिया, आप इसी तरह बने रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ। मेरा सवाल ये है डॉक्टर आरती साहिबा से कि बच्चे को जब बुखार होता है, फीवर होता है, तो कैसे, क्या सिम्टम्स हैं उसके, कि हमें पता चल पाए बच्चे का कि उसको मलेरिया है, तो वो सिम्टम्स जानना चाहते हैं हम जी। डॉक्टर आरती मैम, उनके सवाल का जवाब जी। थैंक यू, आपने ये सवाल पूछा, और मैं ये कहूँगी मलेरिया के लिए आप बोल रहे हैं तो हमें ये अंदाज़ा तब लगता है कि एक तो बहुत तेज़ बुखार अचानक से बढ़ जाता है, कोई उसमें ज़रूरी नहीं है कि हमें खांसी, ज़ुकाम, गला ख़राब या कोई और लक्षण हो, जैसे कि पेशाब में जलन है या कोई और दस्त लगे हैं, मतलब जिसमें खून आ रहा हो, ऐसा कोई, या निमोनिया जैसी शिकायत हो, तो अगर ऐसे कोई लक्षण और नहीं है
केवल फीवर है लेकिन साथ साथ बहुत सिर दर्द है, बच्चा बीमार दिख रहा है और फीवर चढ़ने के साथ साथ बहुत ही जाड़ा, और एक्चुअली अगर आपने मलेरिया वाले जाड़े को देखा है जब बुखार चढ़ता है तो इतनी ज़्यादा कटकटी होती है, सिर्फ शिवरिंग नहीं होती, बहुत ज़ोर ज़ोर से बच्चा हिलता है और उसको बहुत ठंड लगती है, और टिपिकली मैं टिपिकल वाले सिम्टम्स की बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ कोई भी फीवर कुछ भी हो सकता है आजकल की डेट में आप जानते हैं, अदरवाइज़ टिपिकल सिम्टम्स यही हैं, और बच्चा खूब सारी सर्दी का उसको ज़रूरत पड़ेगी कंबल रजाई बहुत कुछ लेने की, और फिर आप देखेंगे कि बुखार आपने आप ही और आप क्रोसिन या जो भी देंगे ज़रूर, उसके बाद बुखार कुछ घंटों बाद एकदम उतर जाता है और बेसलाइन टच कर जाता है, बल्कि बच्चा पसीने से लगता है भरा हुआ और उसके हाथ पर ठंडे महसूस होंगे, तो इन चीज़ों से तो आपको डेफिनेटली सोचना चाहिए मलेरिया तो नहीं है, और फिर वो साइकिल दोबारा रिपीट होती है, तो ये बड़ा टिपिकल सिम्टम है, साथ में वॉमिटिंग भी हो सकती है, सिवियर हेडेक भी हो सकता है। तो बिल्कुल ठीक जैसे आपने डॉक्टर आरती हमें बताया कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चों के, आपने इनको सिम्टम्स बताए क्या हैं, लेकिन फिर भी जैसे ये सब चीज़ें हैं क्या इनको फिर भी डॉक्टर के पास तो एक बार सलाह देंगे ना कि आप जाएं और फिर Definitely. भी कि वो टेस्ट करवा लें। अगर तेज बुखार है, क्योंकि तेज बुखार में छोटे बच्चों को 6 महीने से 5 साल तक के बच्चों को कोई भी बुखार अचानक से बढ़े तो दौरा पड़ने का भी शंका होती हो है, सकती है, तो वो उसे फेब्राइल सीजर कहते हैं, इसलिए अच्छा है अगर तेज बुखार चढ़ रहा है तो जरूर एक सलाह ले लें और टेस्ट कराना है तो जल्दी से आराम से टेस्ट में पॉजिटिव भी पता लग जाता है। बस एक चीज और कि दवाइयों के मामले में कोई भी बुखार, आजकल इतने सारे तरह के अलग अलग बुखार आ रहे हैं तो सबसे सेफ सिर्फ पैरासिटामोल, पीसीएम तो सबके जबान पे चढ़ी हुई है। डॉक्टर पुरवाल यहाँ पे आपसे एक सवाल ये पूछना चाहेंगे कि होता ये है अमूमन कि अगर किसी को एक बार डेंगू हो जाए तो ऐसा बोला जाता है आम पब्लिक में कि किस तरीके से वो अगली बार हुआ तो लाइफ थ्रेटनिंग होगा, जान जाने का खतरा है, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? ये काफ़ी हद तक ये सही है, क्या इसका कारण ये है कि डेंगू एक बार होने पे उसका एक इम्यूनिटी हो जाती है, उसमें बॉडी में एक एंटीबॉडी डेवलप होती है, और सेकेंड टाइम जब वो डेंगू का दूसरा सब टाइप होता है, तो 4 सब टाइप होते हैं डेंगू के, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4, तो दूसरा जब सब टाइप होता है तो जो प्रीवियस इम्यूनिटी है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करते हैं, तो उससे एक बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बड़ा फाइट करता है एक दूसरे से, तो सिम्टम कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा होते हैं और पेशेंट की प्रोग्नोसिस भी ठीक नहीं होती है। इस बात में मतलब लोगों में जो ये फैली हुई है भ्रांति नहीं है, ये ट्रुथफुल है, ये ट्रुथफुल। मैं आपसे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। हकीम साहब आपका रुक करेंगे, हमारे से एक कॉलर जुड़ गए हैं, फिर आपका हम रुक करना चाहेंगे। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है कि मेरी मॉम के ना प्लेटलेट बहुत कम हो जाते हैं जी। प्लेटलेट वाला सवाल का जवाब ऑलरेडी डॉक्टर साहब दे चुके हैं, आप पूरा सवाल पूछिए, आप केवल प्लेटलेट कम हो जाते हैं यही आपको प्रॉब्लम है? मेरी माँ के, मगर उनको कई बार हो चुके हैं, फिर कंटिन्यू घट जाते हैं, फिर अच्छा घटती बढ़ती रहती है, कितने तो डॉक्टर परवाल आप क्या बताना चाहेंगे? कितना रहता है आपका प्लेटलेट घटता बढ़ता? आप लाइन पे बने रहिए, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। कभी 30,000 पे पहुंच जाते, कभी 50। नहीं बट ये कब से आपके मदर की ये प्लेटलेट काउंट कब से कम हो रहे हैं? ये तो दो मतलब 10-12 साल हो गए। फिर ये एक्चुअली डेंगू या मलेरिया से रिलेटेड नहीं है, फिर आपको किसी फिजिशियन या हिमेटोलॉजिस्ट को दिखाना पड़ेगा कि ये उसका कारण ढूंढना पड़ेगा कि ये क्यों कम हो रहा है। तो उनको प्लेटलेट भी चढ़ा चुके हैं कई बार। हाँ तो इसका प्रॉपर आपको इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्यों हो रहा है, केवल प्लेटलेट कम होने से आप प्लेटलेट चढ़ा रहे हो फिर ऐसे नहीं होगा, आपको इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा इसका। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी हकीम साहब आप कुछ बता रहे थे, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। बात ये चल रही थी कि एक बार डेंगू हो जाए तो दोबारा हो जाए तो पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होता है वो, तो उसको उसके तहफ़ के लिए यानी उसके प्रिवेंशन के लिए ये किया जा सकता है कि वो तदाबीर और वो अग़ज़िया और वो अदविया जो यूनानी तिब के अंदर आमतौर पर दी जाती हैं उनका इस्तेमाल तहफ़ यानी प्रिवेंशन के लिए पहले से ही किया जाए, और एक डेंगू का मरीज़ ठीक होने के बाद ये ना समझे कि मैं हमें ज़िंदगी भर के लिए ऐसा हो गया। अच्छा वो तहफ़ की जो अदविया और अग़ज़िया हैं वो आमतौर पे ऐसी नहीं है कि उनको
एक लिमिटेड पीरियड के लिए लिया जा सकता है, उनको लंबे अरसे तक ले सकते हैं और वो आम सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। बिल्कुल। उन दवाओं में रोज़मर्रा में लेने वाली बाज़ दवाएँ भी हो सकती हैं, रोज़मर्रा में रहने वाली बाज़ ग़ज़ाएँ भी हो सकती हैं। मसलन रोज़मर्रा की दवाओं की बात अगर आप करें तो रोज़मर्रा की दवाओं में मुनक्का है। हाँ। और जैसे आप अभी कह रहे थे कि घरेलू घर से मैं सारी घरेलू उसकी बात ही बात करूँगा। मुनक्का है, उसको वक्तन फ़क्तन लिया जा सकता है तो उससे कॉन्स्टिपेशन का भी प्रॉब्लम हो जाती है। बीदाना है, बीदाना को भी लिया जा सकता है। अंजीर है, अच्छा। इसको लिया जा सकता है। हाँ, अगर थोड़ा सा अगर इसमें ये है कि थोड़ा बुखार गर्म नहीं होती जी, गर्म जैसे मुनक्का कहा जाता है गर्म होता है, तासीर जैसे इनकी तासीर की बात ये इसकी तासीर दर्जे इनमें से बाज़ अदविया की तासीर दर्जे अव्वल है और बाज़ की दर्जे दोयम है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ तासीर गर्मी में दर्जे सोम यानी तीसरे दर्जे की या फोर्थ होती है। अच्छा। तो वहाँ हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। ओके। थोड़ा सा तवज्जो करनी पड़ती है, लेकिन जो चीज़ें गर्म दर्जे अव्वल है, दर्जे स्वयं है, मैं जितनी दवाएं आपको बता रहा हूँ दर्जे अव्वल और दर्जे दोयम की बता रहा हूँ, सोम चारों में मैं नहीं जाऊँगा। और साथ में ये मजबूती लाती हैं बता रहे हैं जो कि बेहद ज़रूरी है। तो ये बॉडी की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएंगी, कुव्वत मुदाफ़त को भी बढ़ाएंगी, आम ताकत में भी इजाफा करेंगी। और मैं ये तो नहीं कह सकता, मेरा ताल्लुक चूँकि ज़िंदगी के बड़े हिस्से में रिसर्च से मेरा ताल्लुक रहा है, लेकिन मैं ये तो नहीं कह सकता कि इसमें स्टडीज़ हैं, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि एक जो एक टाइप है उससे पहली बार में होता है, दोबारा में उसकी दूसरी स्ट्रेन और थर्ड या फोर्थ स्ट्रेन आ जाती है, तो ऐसी कोई स्टडी तो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये जनरली देखा गया है कि इन सारी अदविया से आम तौर से फिर बीमारियों से तहफ़ खास तौर से वायरल उसके अंदर रसीब होता है। तो बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि अगर हम शुरुआती दौर मतलब कोई बीमारी ना हो उससे पहले से अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते रहें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो हम मतलब महफूज रह सकते हैं किसी भी पहले से भी करें और अगर हो जाए तो उसके बाद वाले हिस्से इससे मैं भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ईमेल आया है हमारे पास, ये है इनका नाम है साहिल और इनकी उम्र है 30 वर्ष, तो ये जानना चाहते हैं कि इनको क्या कहते हैं डेंगू हुआ है और इनका जो बुखार है वो 104 105 तक पहुंच रहा है। ये जानना चाहते हैं कि इतनी तेज़ बुखार में क्या ये एसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ठंडे पानी से ये नहा सकते हैं कि नहीं। डॉक्टर आरती आप इसका जवाब दीजिए। जी बिल्कुल कर सकते हैं, हमें बुखार इतना तेज़ जो है कम लाना है, लेकिन ये एक एहतियात बरतें कि एकदम सडनली बुखार को नहीं करें ठंडा। टेपिड वाटर जिसे कहते हैं कि ल्यूक वार्म जैसे मतलब नॉर्मल टेम्परेचर वाला नलके के पानी से वो स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, नलके के पानी से नहा सकते हैं। एसी इतना कि कमरे में टेम्परेचर 26 के आसपास रहे तो वो कंफर्टेबल जोन में है, 24 टू 26 बीच में रख के टेम्परेचर वो एसी में रह सकते हैं, क्योंकि हमारे को हर हालत में टेम्परेचर कम करना है और टेम्परेचर कम करने के लिए दवाइयाँ हमेशा पैरासीटामोल एकदम सेफ़ है, लेकिन अकेले पैरासीटामोल से शायद काम ना चले, तो ये चीज़ों की शायद हमें तो ये जो आपने बताया जैसे इनकी तो उम्र है 30 साल, तो अगर बच्चों को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, अगर बच्चों को डेंगू या मलेरिया होता है तो क्या उनके लिए भी आप यही बताएंगे? सेम टू सेम बताऊंगी, क्योंकि गलती सिर्फ यहाँ करते हैं पेरेंट्स या जब जानकारी नहीं होती है कि आप गीली पट्टी सिर पर रख देते हैं जी, तो वो रखने से नहीं होगा, क्योंकि जब तक इवेपोरेशन नहीं होगी तो ठंडा कैसे होगा। तो इवेपोरेशन करने के लिए आप गीले से पोंछते रहें, पूरे शरीर को पोंछते रहें नलके के पानी से, और उससे ज्यादा ठंडा लेंगे तो वैसे भी कोई टॉलरेट नहीं कर पाता है। बिल्कुल डॉक्टर, आइस कोल्ड वाटर नहीं यूज करना। ओके। आइस कोल्ड वाटर नहीं यूज करना, ठंडा पानी यानी फ्रिज का नॉर्मल पानी, नॉट ठंडा, नलके का पानी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फ्रिज का भी नहीं, नलके का पानी लेना है, क्योंकि उससे माहिरीन आपको बता रहे हैं कि जो नलके का पानी है एग्जैक्टली वही यूज करना, नॉर्मल वाटर। फ्रिज का पानी जो है एक मिसकंसेप्शन हो सकता है हमारे व्यूअर्स के दिमाग में, नहीं नलके का ही बोल रहे हैं। हकीम साहब आप कुछ कहना चाहते हैं? ऐसा लगता है साहिल साहब खुद इस वक्त भी मरीज हैं तो उनको ये बता दीजिए कि वो जो मैडम ने जो उनको मशवरे दिए उसके साथ साथ खमीरा मरवारीत खास इसका इस्तेमाल शुरू कर दें, आधा चम्मच यानी 7 ग्राम के करीब रोज़ाना। ये कोई आपकी यूनानी मेडिसिन है? यूनानी दवा है, और उसके साथ साथ शरबत खाकसी से उनका टेम्परेचर भी कम होगा, लेकिन साथ साथ शरबत खाकसी जो है वो इम्यूनिटी को ही बूस्ट करती है, कुव्वते मुदाफ़त को भी बढ़ाती है। यहाँ पे हकीम साहब ये सवाल उठता है कि क्या ये दवाइयों का नाम आपने जो जिक्र किया ये इजीली हमारे जो ओवर द काउंटर अवेलेबल रहते हैं? जी बिल्कुल इजीली अवेलेबल हैं, और अजीब बात ये हुई है यूनानी के हक़ में ये चीज़ अच्छी हुई है कि पिछले कोविड ने लोगों की तवज्जो यूनानी की तरफ बढ़ा दी है,
और अब ये जो दोनों दवाएं बनाई हैं ये आमतौर पे सारे एलोपैथिक के जो मेडिकल स्टोर वाले हैं वो भी यूनानी की दवाएं रखने लगे हैं, इसलिए कहीं से भी आमतौर पे मिल जाती है। तो डॉक्टर पौरवाल, अभी जैसे डॉक्टर आरती ने अभी हमें शुरुआती उस पर बताया कि डेंगू को हम हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, तो ऐसा क्यों क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इसमें एक्चुअली बोन पेन इतना ज़्यादा होता है, बोन पेन और ये जोड़ों का दर्द, ये बहुत ज़्यादा पेन होता है इसमें, कि पेशेंट्स जो है इवन मतलब आप ये देखो कि फोल्ड करने में भी अपने पैरों को या हाथों को फोल्ड करें या फिर इवन अपनी उंगलियों को भी फोल्ड करें तो भी उसको पेन होता है। इसी तरह मैं एक और आपको बताना चाह रहा हूँ, इसी सीजन में चिकनगुनिया भी होता है। हाँ जी बिल्कुल। तो चिकनगुनिया का और डेंगू का वेक्टर ऑलमोस्ट सेम ही है, वो ईडीज एजिप्टाई जैसा कि आप बता रहे हैं। और चिकनगुनिया जो है बीमारी पर एक्चुअली तो ये तो खैर अफ्रीका से आई हुई है, और इसमें भी डेंगू के काफ़ी लक्षण डेंगू और चिकनगुनिया के सिमिलर होते हैं। रेदर चिकनगुनिया में पेन और ज़्यादा होता है, जोड़ों का पेन बहुत ज़्यादा होता है, फीवर भले ही उतना ना ज़्यादा हो और इतने रैश नहीं होते हैं, प्लेटलेट इतना डाउन नहीं होता है, लेकिन जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा होता है। एक कंसेप्शन लोगों के दिमाग में ये भी है आमतौर पर जो डेंगू के मरीज हैं तो वो कोशिश करते हैं किसी तरीके से वो जल्दी ठीक हो जाएं, इसके लिए वो ड्रैगन फ्रूट का भी काफ़ी जिक्र होता है, तो कितना माकूल है ड्रैगन फ्रूट का यूज करना डेंगू की स्पीडी रिकवरी के बारे में? नहीं कह सकती। हाँ डॉक्टर साहब, क्योंकि जब डेंगू का सीजन होता है तब इसका नाम बड़े सुर्खियों में आ जाता है। देखिए मैं ये तो कहा जा सकता है, हम उसमें कह सकते हैं कि रिच प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए, रिच प्रोटीन डाइट वेजिटेबल डाइट भी हो सकती है, लेकिन जो फिश है वो बहुत ज़्यादा रिच प्रोटीन है, तो इसलिए फिश का सूप हमारे यहाँ मछली का शोरबा ये है, इसको आमतौर पर इसकी वो दी गई है। उसके अलावा चूज़ों का यानी चिड़ियों का गोश्त जो है वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी है, उससे ये किया जाता है, चिड़ियों का गोश्त जो है जिसमें चिकन भी आती है जी डॉक्टर, तो इसको किया जा सकता है। ओके ये खाने के संबंधित अब आप बात छेड़ी है तो मैं इतना बताती हूँ कि जैसे माओं को ये बताया जाता है या माओं को ये कंसेप्शन होती है फैमिलीज़ में, स्पेशली जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटा के जो लोग हैं वो कहते हैं कि अच्छा बुखार है बच्चे को अनार का जूस दें, तो ये चीज़ एक मिथ्या है क्योंकि अनार इतना महंगा है, उसका जूस निकालिएगा अफोर्ड करने की प्रॉब्लम है, आप इतनी जगह उतने ही पैसे में आप बहुत अच्छा न्यूट्रिशन शायद पूरी फैमिली खा सकती है, तो ये सब ऐसा कुछ नहीं कि जूस पिलाने से ताकत मिलेगी या कुछ। सो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ों से हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना। यहीं पर आपसे एक सवाल मैं और करना चाहूँगी, बिकॉज बच्चों की हमारी बात हो रही है, तो बच्चों में यूजुअली ये होता है कि बच्चे ज़्यादातर बाहर जैसे स्कूल्स में रहते हैं, पार्क वगैरह में रहते हैं, तो आप उन क्या पेरेंट्स को क्या या स्कूल को क्या गाइडेंस देना चाहेंगी कि किस तरह से स्कूल में कैसे क्या चीज़ें मेंटेन करके रखी जाए कि बच्चों के जो ये खतरा है डेंगू मलेरिया होने का वो कम रहे ना के बराबर हो, और पेरेंट्स को क्या कहना चाहेंगे कि जब आपका बच्चा घर से बाहर निकले तो वो क्या क्या चीज़ें जो हैं क्या क्या एहतियात बरते अपने बच्चों को घर से बाहर निकालते वक्त? पेरेंट्स के लिए यही एहतियात है कि अगर उनकी यूनिफॉर्म ही ऐसी कि पूरी बाजू की नहीं है, एक तो पूरी बाजू के जब भी बच्चे घर से बाहर जाएं शाम के टाइम या सुबह के टाइम जब भी खेलना जाएं तो वो पूरे बाजू के कपड़े पहने पूरे आस्तीन के। नंबर टू, एक मॉस्किटो रिपेलेंट या जो मॉस्किटो वाले कई आजकल पैचेस भी आते हैं, कुछ स्प्रे भी आते हैं, नहीं तो कोई ऑइंटमेंट्स आती हैं, वो क्रीम लगा के जाएं, स्पेशली द एक्सपोज्ड एरियाज पे जो कपड़े पहने उनके नीचे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा, स्कूलों में ये एक मैंडेट होना चाहिए कि वहाँ पर भी निरीक्षण होने चाहिए टाइम टू टाइम, ये जो म्यूनिसिपैलिटी वाले जो हैं वो सरप्राइज विजिट्स करें, और कहीं भी वाटर कलेक्शंस हो स्कूल्स को फाइन होना चाहिए, और मॉस्किटोज अगर बच्चे या कोई टीचर्स कहीं भी देखें तो वो रिपोर्ट होना चाहिए, और मॉस्किटो स्प्रेज होने चाहिए, ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, इंसेक्टिसाइड, और पानी स्टैंडिंग वाटर कहीं पर भी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर पुरवाल, आपका रुख करना चाहेंगे कि डेंगू फीवर की चार स्टेजेज आमतौर पर बताई जाती हैं, और दूसरा कितना है कि अपना हम जो पानी का इंटेक है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए डेंगू फीवर में यूजुअली आदमी की भूख बड़ी कम हो जाती है और नौशिया भी बहुत होता है, वोमिटिंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसमें पानी का इंटेक अच्छा बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन भी बहुत होता है, 104-105 डिग्री टेम्परेचर चला जाता है और आदमी खा भी नहीं पाता है, तो जितना हो सके उतना भले ही 100 ml करके एवरी
10 to 15 मिनट्स पानी जितना मैक्सिमम पी सके उतना पीना, क्योंकि इसमें डिहाइड्रेशन बहुत होता है जी। और डॉक्टर साहब वो चार स्टेजेस वाला थोड़ा सा क्या स्टेज? चार स्टेजेस तो इसमें एक्चुअली जो होता है कि एक तो फीवर सबसे पहले जो है 98-99% पेशेंट में तो फीवर होता है, बॉडी एक इतना जाता है, उसके बाद जो है रैशेज शुरू हो जाते हैं, 2 या 3 दिन बाद रैशेज शुरू हो जाते हैं, और जब फीवर जब सेटल करता है तब फिर पेशेंट्स को जो है और ध्यान में रखना पड़ता है, और उसके बाद पोस्ट डेंगी जो है सिंड्रोम। थैंक यू सो मच डॉक्टर पोरवाल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम जी, आपका इस्तकबाल है हमारे प्रोग्राम में, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, हमारे बच्चे आप बीच करता है। आप पहले तो अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ जी। आपका नाम? मेरा नाम रेशमा है जी। आप अपना सवाल पूछिए। रेशमा हाँ, आप अपना सवाल पूछिए। रेशमा है हाँ, रेशमा जी आप अपना सवाल पूछिए। मेरा बेटा 20 साल का है जी, उसको महीने में 2 बार फ्लोर आता, बुखार आता, कई के वक्त आता? महीने में 2 बार उसे बुखार आता है। अच्छा, 20 साल है उनकी उम्र, इसे क्यों आता है पता नहीं। अच्छा, डॉक्टर आरती आप महीने में 2 बार फीवर आता है? ये 2 बार ही बुखार आता, डिपेंड करता है, कमजोरी महसूस करते, डिपेंड करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूछने वाली होंगी। ये मेरे ख्याल से डेंगू और मलेरिया तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ कई सवाल हैं जो आपको बताने होंगे, जैसे कि बुखार की कितने ऊंचा तक जाता है बुखार, सडनली आता है, कोई साइंस एंड सिम्टम्स कोई और लक्षण है जैसे खांसी जुकाम, या कोई यूरिन में कोई जलन है, या कोई और लोकलाइजिंग सिम्टम है, लंबी खांसी चल रही है, और बुखार कहाँ तक जाता है और कितने दिन रहता है और कितनी जल्दी एकदम नॉर्मल टच करता है? लॉक कॉलर शायद चले गए, हाँ नहीं आप वो सुन रहे होंगे। और बुखार नॉर्मल टच करता है कि नहीं, दवाइयाँ कितनी दिन लेनी पड़ती हैं, और उसका इंटरवल कितना है और ड्यूरेशन कितना है, और अगर एक फीवर का एपिसोड और दूसरे फीवर के एपिसोड में 3-4 दिन का है तो मान लेंगे कि वही एपिसोड है, अगर एक फीवर और दूसरे फीवर के बीच में 2 हफ्ते का गैप आ रहा है तो ये अनरिलेटेड है। ओके, बिना जांच कराए मुश्किल है। बिल्कुल, जांच कराना बेहद जरूरी है। डॉक्टर मारिया, आप हमारे प्रोग्राम का वक्त करीब करीब समाप्त हो चुका है, आपका मैसेज हम जानना चाहेंगे, आप क्या हमारे व्यूअर्स का मैसेज देना चाहेंगे आज का जो डेंगू और मलेरिया से रिलेटेड? डेंगू मलेरिया क्योंकि दोनों ही मच्छर के जरिए से ही फैलते हैं, इसलिए हमें मच्छरों का कंट्रोल, सफाई का ध्यान, और आजकल इतने ज़्यादा मॉस्कीटो रेपेलेंट्स और मार्केट में कंपटीशन और कमर्शियल आ गए हैं, मेरे ख्याल से हमें जो पुराने हम जो नेट्स बेड नेट्स यूज़ करते थे उनका यूज़ हमें ज़रूर करना चाहिए, और बच्चों को प्रिकॉशन के तौर पर आप कपड़े वैसे पहनाएं पूरी बाजू वाले, और कहीं भी पानी इकट्ठा हो हमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के हमें म्यूनिसिपैलिटी को इन्फॉर्म करना चाहिए और उसके लिए हमें प्रिकॉशन। मच्छरदानी या जो मॉस्किटो नेट इसका माकूल जवाब हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि सरकार भी प्रोवाइड करती है इंसेक्टिसाइड इम्प्रेगनेटेड नेट्स, वो भी देती है और इनकरेज करती है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पोरवाल, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा डेंगू या मलेरिया से घबराएं नहीं, डेंगू एक सेल्फ लिमिटेड बीमारी है, इसका कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आप सावधानी बरतें तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस आराम से प्रिवेंट हो सकती है। हकीम साहब, आप मैं इस सिलसिले में 2 बातें कहना चाहूँगा, वो सारी तदाबीर जो डॉक्टर पवार ने और डॉक्टर वारिया ने बताई उन सबको अपने इस्तेमाल में अमल में लाते हुए, एक तो ये कि वो दवाएँ और वो ग़ज़ाएँ ख़ास तौर से इस्तेमाल करनी चाहिए जिनसे कि हमारी बॉडी की क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ी हुई रहे, इम्यून स्टेटस बढ़ा रहे, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बीमारी आएगी ही नहीं। दूसरा उसी के साथ साथ ये है कि अगर डेंगू मलेरिया कुछ हो गया है तो जो भी ट्रीटमेंट आपने लिया है, मेरी तरफ से एक पैगाम यह है कि डेंगू मलेरिया होने के बाद उसके बाद की कम्प्लिकेशंस को के तहफ़ के लिए प्रिवेंशन के लिए यूनानी की उमूमी अद्विया इस्तेमाल करें जी। और यूनानी नेचुरल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, कुदरती तरीक़े इलाज है, आम ज़िंदगी में भी इसको अपनाएं। डायबिटिक पेशेंट भी ले सकते हैं कि आमतौर पर यूनानी जो मेडिसिन काफ़ी मीठी मानी जाती है डॉक्टर? डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ऐसी दवाएं दी जा सकती हैं जिनमें शुगर ना हो।
बिल्कुल, बहुत उसके लिए किसी करीबी तबीब से रابطہ कायम करें, उसे ऐसे किया जाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो एक बार हम रिकैप करना चाहेंगे कि क्या क्या हमारे माहिरीन ने बताया। तो डॉक्टर आरती ने बताया कि किस तरह से हमें जो है दवा सही मतलब हमें मच्छरों पर कंट्रोल करना है, सफाई का ध्यान रखना है, बच्चों को जब भी आप घर से बाहर निकालें तो बच्चों को हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनाकर बाहर भेजें, और डॉक्टर पोरवाल ने कहा है कि घबराएं नहीं बिल्कुल भी और सावधानी बरतें और हम आसानी से जो है इस मलेरिया या डेंगू से पार पा सकते हैं। और हकीम साहब का ये कहना है कि दवाएं और गिजाएं वो दोनों आप लीजिए जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमें डेंगू और मलेरिया पर आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर की। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है नाज़रीन कि आज की हमारी पेशकश आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई राय हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है hellodoctordduurdu@gmail.com। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है डीडी उर्दू जी। और अपनी मेज़बान रतिका मेहरा और आदित्य कुमार को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू पर। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और आपको छोड़े जाते हैं टिप ऑफ द वीक के साथ। आदाब। आदाब। डेंगू और मलेरिया दोनों मच्छर के काटने से होने वाली बीमारियां हैं। दोनों बीमारियों में हल्की अलामत होने पर हमें होशियार हो जाना चाहिए और फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। अलामत को नज़रअंदाज हरगिज ना करें वरना इनमें शिद्दत आ जाती है। बुखार, जिस्म में दर्द, कपकपी और मतली या उल्टी होने पर डॉक्टर से रुजू करें और अपने खून की जांच करवाएं। डेंगू और मलेरिया के मच्छर भी खड़े पानी में पैदा होते हैं। अपने घर में और आसपास पानी न जमा होने दें। मच्छरों को रोकने के लिए जाली के दरवाजों और उन्हें मारने के लिए स्प्रे का इस्तेमाल करें। सेहतमंद और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं और साफ सफाई का ख्याल रखें।